मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में जहाँ पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक समझा जाता है और उनके बीच संबंध को मजबूत करने के संदर्भ में बहुत सी मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, वहीं इसके विपरीत कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जिसका जाने अनजाने में उल्लंघन भी पति पत्नी के लिए बहुत से दुष्परिणामों का रूप ले सकता है, जो कोई भी जीवन साथी नहीं चाहता होगा। मित्रों, आपने ये तो सुना ही होगा कि पति पत्नी यदि एक ही थाली में भोजन करें तो उनके बीच प्यार का विस्तार होता है, परंतु ये सत्य नहीं है। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी पत्नी का अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना दरिद्रता की निशानी है। ये जानकर आप भी हैरान हो गए होंगे कि ऐसा कैसे संभव है, इसका क्या आधार है। क्या वास्तव में किसी पत्नी को अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करने की भूल नहीं करनी चाहिए, और यदि हाँ तो इसके और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? आपके इन सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद है हमारी आज की इस वीडियो में। मित्रों, क्या आप जानते हैं हिंदू परिवारों में ऐसे बहुत सी जोड़ियां हैं जो आज भी हमेशा साथ में ही भोजन करती हैं, और कुछ परिवारों में तो ऐसा करने के लिए उनके बड़े बुजुर्गों द्वारा ही कहा जाता है। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि कुछ पति पत्नी साथ में भोजन तो करना चाहते हैं परंतु संगठित परिवार होने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। तो उन जोड़ियों के लिए जो कुछ प्रचलित मनगणंत मान्यताओं के कारणवश एक थाली में भोजन करने को खुशियों का स्रोत समझती हैं, उन सभी के लिए इसके वास्तव में पड़ने वाले प्रभाव को जान लेना आवश्यक है। मित्रों, जब बात आती है जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की, तो आपके मन में सबसे पहले आने वाली वस्तु निश्चित रूप से भोजन ही होगी। भोजन की महत्ता को जानते हुए हमारे सनातन धर्म में भोजन को भगवान की पूजा अर्चना से जोड़ते हुए कई प्रचलित मान्यताओं का वर्णन किया है, जिसके अंतर्गत भोजन को भगवान का आशीर्वाद समझ पूजा की जाती है और अन्न प्राप्ति के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया जाता है। मित्रों, बात यहीं खत्म नहीं होती। सनातन धर्म में भोजन करने के संदर्भ में ऐसे बहुत से नियम कानून के बारे में बताया गया है जिसके पालन स्वरूप घर में सुख समृद्धि का वास होता है, और इसके विपरीत यदि इन नियमों का पालन ना किया जाए तो इसकी अवहेलना घर में दरिद्रता का प्रवेश मानी जाती है। ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ा एक नियम पति पत्नी के साथ भोजन करने से भी जुड़ा है। आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास वीडियो में कि क्या किसी पत्नी का अपने पति के साथ एक ही थाली में भोजन करना सनातन धर्म के अनुसार उचित है या नहीं, और यदि ये सनातन धर्म की मान्यताओं के खिलाफ है तो इसका क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हिंदू परिवारों में भोजन से जुड़ी भावनाओं के साथ उसकी शुद्धता एवं सात्विकता का भी पूर्ण पालन किया जाता है, लेकिन उसके बाद भोजन करते समय भी शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति को बहुत आवश्यक हो जाता है, और यदि आप शास्त्रों में वर्णित इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आ सकती है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस कारण से आपके घर पर समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि आप सोचेंगे कि मैं कभी किसी से गलत नहीं बोलता और किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करने की सोचता भी नहीं हूं, मैं कभी झूठ भी नहीं बोलता, सत्य व्रत का पालन करता हूं, फिर भी मेरे साथ समस्याएं आ रही हैं। तो अगर आप अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपके जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं, क्योंकि भोजन करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, कैसे खाना चाहिए और कैसे नहीं खाना चाहिए, प्रत्येक विषय पर हिंदू सनातन धर्म में विस्तार से बताया गया है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार भोजन करते समय आपको टीवी नहीं देखना चाहिए, किसी प्रकार का संगीत नहीं सुनना चाहिए, और आपको भोजन करते समय बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, और भोजन करते समय बोलना भी नहीं चाहिए। यदि आप नियम से भोजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का झूठा खाना भी बहुत बड़ा निषेध माना गया है। आप भले ही भूखे रह जाएं, परंतु आपको किसी भी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हम सोच लेते हैं कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन ये बातें लोगों को गुमराह करने वाली हैं और शास्त्रों के अनुकूल नहीं हैं। आजकल पति पत्नी भी एक साथ एक थाली में भोजन करते हैं और ऐसा मान लेते हैं कि इससे दोनों के बीच प्यार बढ़ता है, लेकिन ऐसा शास्त्रों के अनुसार अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार पति पत्नी को कभी भी एक साथ और एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पति पत्नी को एक साथ एक थाली में भोजन करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, इसलिए हमेशा शास्त्रों के अनुसार ही भोजन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप शास्त्रों के नियम के अनुसार अपना जीवन जीते हैं तो निश्चित ही आपको जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी और आपका जीवन चिंता मुक्त होगा और आरामदायक हो जाएगा।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी को एक साथ और एक थाली में भोजन करने से प्यार नहीं बढ़ता, यह केवल मात्र एक तांत्रिक प्रक्रिया है। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में दूसरा भाव अपनी वाणी का होता है, सुख का होता है, कलह का होता है, धन की बचत का होता है और जीवन में मिलने वाले सुखों को संबोधित करने का होता है। अगर दूसरे भाव में व्यक्ति की वाणी और भाषा पर नकारात्मक प्रभाव होता है तो आपकी भाषा में कड़वाहट का भाव आता है और बहुत सारे दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलते हैं। यदि हम किसी का झूठा खाते हैं तो हमारे जीवन में कई तरह के बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं, जैसे कि व्यक्ति के सुखों में कमी आती है, घर परिवार में कलह बढ़ जाती है और भोग विलास में भी कमी आती है। इतना ही नहीं, हम जिसका झूठा खाते हैं उसके अशुद्ध विचार, यदि वो व्यक्ति अशुद्ध विचारों वाला है, ऊपर से आपको प्यार दिखा रहा होता है और अंदर से वो व्यक्ति काला है, तो उसके अशुद्ध विचार हमारे मन में घर कर जाते हैं, क्योंकि हम उस व्यक्ति का झूठा खा रहे होते हैं। इसका सबसे बुरा असर हमारे धन क्षेत्र में होता है। किसी का झूठा खाने से हमारे धन की हानि होने लगती है और किसी का झूठा खाने से हमारी जो धन एकत्रित करने की क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। इससे जुड़े एक प्रसंग का वर्णन महाभारत काल में भी किया गया है, जिसमें भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया है कि यदि कोई भाई भाई एक ही थाली में भोजन करे तो इसे अमृत के समान माना जाता है और इससे घर में धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी में वृद्धि होती है। वहीं दूसरी तरफ भीष्म पितामह ने पति पत्नी के संदर्भ में इससे बिल्कुल ही विपरीत विचार रखते हुए बताया कि यदि कोई पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो ये कृत्य निंदा के पात्र हैं और इसे शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध बताया है, और ऐसी थाली में चाहे कितने ही प्रकार के पकवान हों, इसे मादक पदार्थों से भरी थाली के समान समझा गया है। और भीष्म पितामह ने यह भी बताया कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का उसके पति के भोजन करने के पश्चात भोजन करना ही उचित है, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मित्रों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।